वड्डी वारदात वापरी है, सारा इलाका पूरी तरह सील किया होया है पुलिस अधिकारियों के वलों, क्योंकि एक कथित दोषी के वलों अपने घर की छत के उत्ते चढ़ के लगातार गोलियां चलाईया जा रही ने, फायरिंग की जा रही है। यह भी कहा जा रही है कि इसके वलों पहला दो जणियां नू गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता जाता है, तो फिर अपने ही घर की छत के उत्ते खड़ के इसके वलों ताबड़तोड़ गोलियां चलाईया जा रही ने। सारा पिंड जो है पुलिस अधिकारियों के वलों सील किया गया है। आखिरकार किहड़े कारण करके इसके वलों ये दो कतल किए गए ने, कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, पर पूरे पिंड दे विच इस वेले सहम का माहौल है। सारा पिंड इकट्ठा होया पिया है, एक पासे पुलिस ने घेरा पाया ते दूजे पासे पिंड वासी खड़े हुए ने, पर कथित दोषी जो है घर दी उत्ती छत दे उत्ते चढ़ के लगातार गोलियां दी बौछार करदा होया विखाई दे रहा है। तस्वीरां देख के तुसी भी हैरान रह जाओगे कि इस व्यक्ति नू किसे दा भी डर पै जा खौफ नहीं रहा कि किवें छत दे उत्ते चढ़ के लगातार गोलियां चला रहा है। तां बठिंडा दी एक घटना दसी जा रही है, जिथों दे पिंड कोठा गुरु विखे कोई आपसी रंजिश दे चलदे गोलियां चलाईया गई ने। पहला दो बंदियां नू मौत दे घाट उतार दिता जाता है, तो फिर कथित दोषी अपने ही घर की छत दे उत्ते चढ़ के लगातार फायरिंग कर रहा है। मौके दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। सारा पंजाब कंब गया इस खबर तो बाद, क्योंकि यह व्यक्ति जिहड़ा है लगातार गोलियां चलाउंदा होया विखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारी भी इस नू शांत करन दी लगातार कोशिश कर रहे ने, पर ये व्यक्ति टरदा होया विखाई नहीं दे रहा, तो लगातार इसके वलों गोलियां चलाईया जा रही ने। तो भी कहा जा रहा है कि चाचे ताया दे विच आपसी रंजिश का कोई मामला सी, हालांकि इस बाबत कोई अधिकारिक जानकारी सांझी नहीं की गई, पर वड्डी वारदात पंजाब दे विच वापरी है, जिथे कि पहला गोलियां दे नाल भुन दिते जाते ने दो व्यक्ति, तो फिर कथित दोषी अपने ही घर की छत के उत्ते चढ़ के लगातार गोलियां चला रही है। पुलिस नू इस बारे सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारियों के वलों सारे पिंड नू घेरा पाया होया, घर नू घेरा पाया होया, पर ये शख्स जिहड़ा है वो टरदा नहीं विखाई दे रहा, तो गोलियां लगातार इसके वलों चलाईया जा रही ने। कोई जमीनदार रौला है, कोई निजी रंजिश है, जा फिर कोई होर मामला है, इस बारे कोई भी जानकारी अजे तक हासिल नहीं हो सकी। इस व्यक्ति ने जो है पुलिस नू भी भाजड़ा पा के रख दित्तियां ने, इस घर नू सील किया होया है, पर ये व्यक्ति जिहड़ा गोलियां लगातार चलाउंदा होया विखाई दे रहा है, तो गोलियां भी किते होर नहीं बल्कि अपने ही घर की छत दे उत्ते चढ़ के लगातार फायरिंग कर रहा है। आखिरकार इस कोलों इन्नियां गोलियां कित्थों आईयां, बहुत वड्डा सवाल खड़ा हो जांदा है कि किवें सारे पिंड दे विच इस व्यक्ति ने भाजड़ा पा के रख दित्तियां ने, क्योंकि आपसी रंजिश दे चलदे पहलां गोलियां मार के दो बंदियां दा दिन दिहाड़े कतल कर दिता जांदा है, ते फिर कथित दोषी अपने ही घर की छत के उत्ते चढ़ के लगातार फायरिंग कर रहा है। तो मौके दीआं तस्वीरां तुसी वेख सकते हो कि सारा पिंड अपने काम कार छड़ के घरां तो बाहर आके खड़ा होया है, क्योंकि ये व्यक्ति लगातार फायरिंग कर रहा है, हट नहीं रहा, तो पुलिस अधिकारी भी जो ने इत्थे मौजूद ने घर नू सील किया होया है इस व्यक्ति नू कि आखिरकार शांत करवाया जा सके, पर इस व्यक्ति का गुस्सा इस कदर भारी है कि कथित दोषी जिहड़ा है गोलियां लगातार चला रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। इस तरह फायरिंग करन दे नाल कि जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पहला इसने दो बंदियां दा गोलियां मार के कतल किया, तो फिर अपने घर की छत के उत्ते चढ़ के लगातार गोलियां जड़ा चलाउंदा होया विखाई दे रहा है। तो इलाके दे विच काफ़ी सहम का माहौल पाया जा रहा है। तो इस खबर ते होर जानकारी दे लई
भगता भाई तो साढ़े सहयोगी बिंदर जलाल जुड़े ने। जी बिंदर जी, आखिरकार ये वड्डी वारदात वापरी है, सारा इलाका सील किया होया, इसके कारण की ने कि इस व्यक्ति दे वल्लों ताबड़ तोड़ गोलियां चलाई जा रही ने। जी बहुत वड्डी गल है कि आखिरकार पहला कतल किया कि कुछ चाचे ताए सन जिन्हां दे उत्ते इसने गोलियां चलाईयां। जमींदार वाला दसिया जा रहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई। ता तस्वीरां मौके दियां सामने आईयां ने, लगातार इसते वल्लों फायरिंग कीती जा रही सी ते फिर अपनी जीवन लीला भी इस व्यक्ति दे वल्लों समाप्त कर ली गई है। ता पुलिस अधिकारियां दे वल्लों भी लगातार जवाबी कार्रवाई भी कीती जा रही सी। ता वड्डी खबर है कि आखिरकार एक साल पहला किसी व्यक्ति की मौत हुंदी है, सहज पाठ रखाया होया सी, पर अचानक ये चाचे ताए जिहड़े है घर दे विच मत्था टेकण दे लई आउंदे ने, तां इस शख्स दे वल्लों गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। पहलां एक व्यक्ति दे उत्ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने, जदों ओह डिग जांदा है उस दे नाल दा साथी उस नूं चक्कण दे लई खड़दा है, तां इस दरमियान जो है दूजे व्यक्ति दे उत्ते भी इस व्यक्ति दे वल्लों गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। तां इस दरमियान कथित दोषी जो है घर की छत के उत्ते चढ़ जाता है, तो इस दे वल्लों लगातार फायरिंग की जा रही सी, तो फिर जवाबी कार्रवाई भी पुलिस अधिकारियों के वलों की गई, पर इस दरमियान इस व्यक्ति दे वल्लों जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। बेहद वड्डी खबर है, पूरे पंजाब नू हिला के रख दिता है इस खबर ने कि किवें पहला एक व्यक्ति नू गोलियां दे नाल भुन्या, फिर जदों उसका साथी उसनू चक्कण दे लई गया तां दूजे दे उत्ते भी गोलियां चला दित्तियां गईयां, तां इक्को ही परिवार दे मैंबरां दे उत्ते इह गोलियां चलाईयां ने। चाचे तायां दा कोई आपस दे विच कोई रौला सी ते उह रौला इस कदर वध गया साडे सहयोगी दे मुताबिक कि सहज पाठ रखाया सी, सहज पाठ दे विच मत्था टेकण दे लई पहुंचे, पर इस दरमियान पहला एक दे उत्ते गोलियां चलाईयां, दूजा उसनू चुकण दे लई गया तां दूजे दे उत्ते भी ताबड़ तोड़ गोलियां चला दित्तियां गईयां, ते फिर बचण दे लई इह शख्स जो है अपने ही घर की छत दे उत्ते चढ़ गया, ते लगातार इस दे वल्लों फायरिंग की जा रही सी। सारे बठिंडे नू इस खबर ने हिला के रख दिता है। पिंड कोठा गुरु की एक घटना है, हालांकि इस घटना नू लैके थोड़ी देर दे विच पुलिस अधिकारियों के वलों अधिकारिक तौर पर सारी जानकारी जो है सांझी की जाएगी। तो पूरे इलाके दे विच पिंड दे विच सहम का माहौल है कि आखिरकार किहड़े कारण बन गए कि इस दे वलों इस तरह पहला दो व्यक्तियों का कतल किया, तो फिर कोठे चढ़ के फायरिंग की, तो फिर अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली गई। उपर बैठा जिहड़ा कि फायरिंग कर रहा है, तो दो गुरु के आपसी रंजिश नूं लैके सुबह तो लैके चल रही है गोली। उस टाइम की जिहड़ी हुण तुहानूं ताज़ा अपडेट दित्ती है, जानकारी दे दी है कि दो व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, पुलिस पहुँच चुकी है, लेकिन आदमी वो जो कोठे उपर अपनी छत के उपर बैठा वो तो लगातार फायरिंग वो बनी जारी है, पुलिस फोर्स भी आपके बनी फायरिंग कर रही है, लेकिन वो आदमी कोठे के उपर बैठा
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੱਠ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ